हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक टाइमेक्स की एनालॉग वॉच। चलिए आज इसका रिव्यू, एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इस तरीके से। ये वॉच है, मैं इसकी जो पैकेजिंग थी वो मैं पहले से ओपन कर ली थी देखने के लिए कि सही है कि नहीं, क्योंकि मैं ये वॉच मैंने आपसे एक महीने पहले खरीदी थी और मैं इसका रिव्यू थोड़ा यूज करने की बात करना चाहता था। ये नहीं है कि प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर दी और यूजर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो मैंने इसको यूज किया है, यूज करने के बाद ही मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी थी कैसी नहीं थी, कि ये किस तरीके से इसने वर्क किया है। तो इसके अंदर इस तरीके से घड़ी आती है, एक फॉर्म का छोटा सा टुकड़ा, और इसके अंदर एक यूजर मैनुअल होता है। यूजर मैनुअल में तो ऐसा कुछ खास है नहीं है, पर इसमें दो चीज़ें अच्छी थी जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए थी। पहला, कि आप जिस भी सिटी में हैं तो इसमें एक अच्छा खासा सर्विस सेंटर की लिस्ट है, जो आप जिस भी सिटी में या जिस भी एरिया में रह रहे हो तो आप उसके सर्विस सेंटर को आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, इसका जो घड़ी का वाटर रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, एक वो चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जो 30 से 50 mm का मीटर का वाटर रेजिस्टेंस होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 30 से 50 mm का वाटर रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ सूटेबल होता है बारिश में, ना कि तैरने में वो यूज नहीं होता है। लेकिन जो 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस होता है वो बारिश में भी और तैरने में भी यूज आ जाता है। जो ये तैरना होता है ये एक तरीके से स्विम, जो आप बोल सकते हो कि स्विमिंग पूल वगैरह में स्विम कर लिए, लेकिन 200 मीटर का होता है वाटर रेजिस्टेंस, उसमें आप स्विम के साथ साथ एक डेप्थ गहराई में जाके भी स्विमिंग कर सकते हैं, जो डेप्थ गहराई में किसी भी समुद्र में नदी में कहीं पे भी जाके तैरना हो जिसको, तो उसके लिए 200 मीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो जो ये वाली वॉच है इसका रेजिस्टेंस है 30 mm यानी 30 मीटर, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस वो सिर्फ काम करेगा बारिश में, ना कि तैरने में या किसी और चीज में। इसके बाद हम आते हैं अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट घड़ी पर। तो घड़ी जो की डिजाइन है वो कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर है और इसका लेदर भी काफी बढ़िया क्वालिटी का है। मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ, ये मैंने एक महीने से ज्यादा लगातार इसको पहना, और आप देख सकते कि इसके यहाँ पे किसी भी तरीके का जो चटक जाते हैं लेदर्स वो नहीं चटका है। हल्का सा इसमें बस एक निशान है, आप देख सकते हैं इसमें निशान है, लेकिन किसी भी तरीके का चटकना नहीं हुआ है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं चटकी है लेदर की। इतने टाइम से मैं इसको पूरा दिन पहन रहा हूँ, रात में ही सिर्फ इसको उतारता हूँ बाकी का, और आप इसको देख सकते हैं। इस घड़ी की कुछ खासियत मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मैं क्या खासियत है। जो इसका डायल कलर है वो ब्राउन कलर का है, उसका शेप जो है वो राउंड शेप में है ये, और जो इसका थिकनेस है, इसकी जो केस की थिकनेस है वो है 8.8 mm, और इसकी वाटर रेजिस्टेंस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 30 मीटर्स की है, और आप सिर्फ इसको बारिश में पहन सकते हैं। तो बारिश में अगर आप इस घड़ी को पहने हुए रखते हो तो ये खराब नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। और आपको इस घड़ी के साथ मिलती है 1 ईयर की डोमेस्टिक वारंटी। और दूसरी बात है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, 52 ग्राम की कुल ये घड़ी है, और इसका जो केस का डायमीटर है ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका केस डायमीटर कितना होना चाहिए, आपको जब आप घड़ी को पहनोगे तो आपको ऊपर कैसी लगेगी ये। तो जो घड़ी है जो इसका केस डायमीटर है वो है 40 मिलीमीटर का, तो 40 मिलीमीटर का जो केस है आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपने नॉर्मल इस हैंड में पहनता हूँ तो किस तरीके से लगेगा। तो ये काफी, मेरा हाथ काफी पतला है लेकिन उस हिसाब से भी ये घड़ी काफी सूटेबल है। तो अगर आपका हाथ मेरे से भी ज्यादा पतला है तो आप इस घड़ी को ना खरीदिएगा, और आपका हाथ मेरे जैसा है या मेरे से हैंड है तो आपके लिए घड़ी बहुत ही सूटेबल रहेगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस ये सब तो इसकी हो गई क्वालिटी। तो और ये मेरा रिव्यू, छोटी सी मेरी अनबॉक्सिंग इस घड़ी के रिगार्डिंग। इसके पीछे अगर हम देखना चाहेंगे तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, स्टेनलेस स्टील केस है इसके साथ। बाकी का इस घड़ी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा है। अगर आपको ये घड़ी खरीदनी है तो मैं लिंक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ, सबसे खास बात इस घड़ी की है कि मैंने इसको खरीदा है रॉन्ग MRP प्राइस पे। अब आप बोलेंगे कि रॉन्ग MRP प्राइस क्या होती है, तो फ्रेंड्स जब एक सेलर प्रोडक्ट को लिस्ट करता है उसकी अमाउंट डालता है तो वो क्या करता है कि वो अमाउंट डालने में गलती करता है कई बार। वो गलती किस तरीके से करता है कि जैसे MRP उसको डालनी है 1500 और वो उसने MRP डाल दी 150, गलती से उसने एक जीरो कम लगाया, तो हमको
वो प्रोडक्ट उस टाइम में मालूम पड़ गया तो उसको उसी समय खरीद लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे 1500 रुपये है, लेकिन इसकी जो एमआरपी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी नियर बाई 1500 ही है, और मैंने इसको सिर्फ खरीदा है 399 रुपये में। फ्रेंड्स चौंकिएगा मत, ये घड़ी सिर्फ मैंने 399 खरीदी थी, और ये एक नहीं मैंने दो खरीदी थी। इसका एक ब्लैक कलर का वेरियंट भी है, वो भी मैंने खरीदा था, लेकिन वो मैंने अपने फ्रेंड को दे दी। तो अभी मेरे पास सिर्फ यही वेरियंट है। अगर आपको इस तरीके की डील्स के बारे में कि ये डील्स किस तरीके से आती हैं, हमको कैसे मालूम पड़े ये डील्स किस तरीके से मालूम पड़े, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि आप इस तरीके की डील्स को अमेजन फ्लिपकार्ट कैसे देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है और सेलर ने प्रोडक्ट को गलत लिस्ट कर दिया है, तो किस तरीके से आप उसको तुरंत पहचान के उसको कैसे ऑर्डर करें। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपके लिए जो वीडियो है यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।